एडीजी ने जनता को दी नई पुलिस चौकी की सौगात। बरगढ़ क्षेत्र के हरदी कला व मऊ क्षेत्र के खड़ेहा में नई पुलिस चौकी खुली। चित्रकूट की दो नई पुलिस चौकियों का हुआ उद्घाटन। एडीजी भानु भास्कर ने नई पुलिस चौकियों का फीता काट कर किया उद्घाटन। मऊ और बरगढ़ थाना क्षेत्र में खोली गई दो नई पुलिस चौकी। इन नई पुलिस चौकियों के खुलने से जनता को मिलेगी बड़ी राहत। पहले ग्रामीणों को शिकायत के लिए जाना पड़ता था कई किलोमीटर दूर। एसपी वृंदा शुक्ला और एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर सहित तमाम पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर बरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थापित हरदी कला पुलिस चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने नई चौकी का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। ये पुलिस चौकी नेशनल हाईवे 35 पर है। इसके बाद एडीजी मऊ थाना क्षेत्र के खड़ेहा गाँव में नवसृजित पुलिस चौकी का शुभारम्भ किया। नवसृजित चौकी पर महिला चौपाल का भी आयोजन किया गया। एडीजी भानु भास्कर ने महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब आने वाला समय आपका है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को खूब पढ़ाएं ताकि वह देश में महिला सुरक्षा के लिए काम करें। दो चौकियों का आज हुआ है इनॉग्रेशन। नंबर एक चौकी हरदी कला और दूसरा खंडेहा थाना मऊ में सर्किल मॉल। और यहाँ के जो प्रधान है श्रीमती होमती देवी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला, उनकी उपस्थिति में दोनों जगह यहाँ खंडेहा का हुआ है, वहाँ पे दूसरे का हुआ है। इन चौकियों से जो है हमारा जो आउटरीच का है हरदी कला का मजार दोनों, तो उससे हमारा सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि पुलिस का जो रीच है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, ट्रैफिक सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, अपराध नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है, और साथ में डीजीपी ऑफिस ने कई सारी परियोजनाएं शुरू की हैं। उन परियोजनाओं में हमारा रीच बढ़ाने में और हमारी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और साथ में आज आपने देखा होगा कि परिवार के कई लोग इसमें जुड़े हैं, इसमें यहाँ पर कई महिलाएँ आए हैं, बच्चे आए हैं, सभी कार्यक्रमों के बारे में उनको बताया गया है, शासन के कार्यक्रम को बताया गया है, पुलिस विभाग के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। और साथ में जो हमारा महिलाओं के लिए के सुरक्षा के लिए ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक की जा रही है, महिला सुरक्षा मोहल्ला सुरक्षा समिति की बैठक की जा रही है, गाँव में जा जा के अलग जगह बैठक की जा रही है, इस कार्यक्रम में और हम लोग को जोर पकड़ेगा कि हमारी ऐसी चौकियाँ जो है निर्जन स्थान पर बनेंगी तो पुलिस का और भी जो है रीच इससे है। यहाँ पे जनमानस में बहुत ज़्यादा खुशहाली है इस बात को देखते, और साथ में लोग बहुत प्रसन्न है कि यहाँ पे चौकी बना है। साथ में यहाँ बगल में अमृत सरोवर उसके बगल में बना है और हमारा यहाँ पर व्यवस्था और अच्छी होगी। हमारा और प्रयास है कि आने वाले समय में इस चौकी को वो एक थाने के रूप में और यहाँ पर महिला थाना खोलने का भी पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा है कि ये प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे ताकि पुलिस मुख्यालय में उसके हम लोग भविष्य में यहाँ पर महिला थाना खोलने का प्रयास जोर करें। महिला चौपाल का इस दौरान क्या कार्यक्रम किया गया? महिला चौपाल में सबसे पहले हम लोगों ने महिलाओं की जो अधिकार है उसके बारे में उनकी जानकारी दी गई। 1090 के बारे में जानकारी दिया गया, 112 के बारे में जानकारी दिया गया, और बड़ा ही अच्छा इन्होंने पुलिस अधीक्षक साहब ने एक स्लोगन पॉइंट किया है कि अब सहना नहीं अब कहना है। तो उसके तहत जो है लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागृत करके ये भी समझाया बुझाया गया कि जब भी कोई छोटी बात हुई तो तत्कालिक रूप से पुलिस को जो बताएं ताकि 112 के वाहन या कोई भी पुलिस कर्मी निकटतस्थ उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मिशन शक्ति का पुनः एक अभियान चलाया जा रहा है 15 दिवसीय, जिसके तहत आप सभी अवगत हैं कि बहुत से महिला चौपाल जनपद के विभिन्न जगहों पर आयोजित किए गए हैं, एवं आज भी यहां पे मऊ थाना के क्षेत्रांतर्गत खंडेहा चौकी का इनॉग्रेशन था, का लोकार्पण था एडीजी प्रयागराज जोन महोदय के तत्कमें से। तो उसमें भी हमने एक मिशन शक्ति का कार्यक्रम सम्मानित किया, और खंडेहा चौकी के अंतर्गत आने वाले जितने ग्राम हैं वहाँ से बहुत सी महिलाएँ बहनें हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, जिसमें हमने महिला सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बातें उन्हें बताई हैं, उन्हें अवगत कराया है, और ये आश्वासन दिया है कि अब खंडेहा चौकी उनके और निकट आ गई है, तो उनकी छोटी से छोटी समस्या पे पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। इसी के साथ साथ हमारी जनपद की दो नन्ही वीरांगनाओं को भी सम्मानित कराया गया है, क्योंकि ये सच में मिशन शक्ति की एक सच्ची मिसाल है, जिनमें से एक 9 वर्षीय बालिका ने अपनी साहस और सूझबूझ से अपनी बड़ी बहन की जान बचाई थी जब वो हार्वेस्टर कंबाइन में फंस गई थी, और एक दूसरी वीरांगना ने अपने घर में जब वो अकेली सो रही थी उनके साथ एक बदनीयती से एक लड़का घुसा और उसे कमरे में घसीटने का प्रयास किया, तो बहुत साहस का परिचय देते हुए उन्होंने लड़के को झटका और एकदम बाहर गई, घर को बंद किया, आस पड़ोस वालों को इकट्ठा किया, पुलिस को बुलाया। तो इन दोनों वीरांगनाओं को आज एडीजी जोन महोदय द्वारा सम्मानित किया।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।